इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 3 dx. क्या करते हैं सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में हमने ये करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से तो t इज इक्वल टू x प्लस 3 हम सपोज करते हैं कि t इज इक्वल टू x प्लस 3 ये हमारे पास मौजूद है लेकिन अगर हम न्यूमिनेटर में देखते हैं तो हमारे पास x यहाँ पे भी मौजूद है लेकिन इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही कोई चीज डिवाइड नहीं हो रही तो हम यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैं आपसे कहूंगी यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगा t इज इक्वल टू के यहाँ के t माइनस 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा ये हम न्यूमिरेटर में यूज करेंगे इसलिए मैंने फाइंड आउट की अदरवाइज डेरिवेटिव हम इसी का लेंगे जो हमने सपोज किया था ये हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव x का क्या होगा 1 राइट पावर यहाँ आ जाएगी और x 1 माइनस 1 0 x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये हो गया और डी टी हमारे पास क्या हो गया डी टी इक्वल टू डी एक्स ये सिंपल हो गया हमारे पास अब हम देखें ये हमारे पास dx है इसकी जगह हमने dt लिखना है वैल्यूज पुट करते हैं कैसे करेंगे इस x की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की x इज इक्वल टू t माइनस 3 आप यहाँ लिख सकते हैं t माइनस 3 प्लस 2 और dx ये है dt यहाँ हम लिखते हैं dt डिवाइडेड बाय x प्लस 3 को हमने कहा कि ये अंडर ये t के इक्वल है तो हमने t किया ये याद रखें कि जो भी इस अंडर रूट के अंदर है यानी हमने पावर नहीं कंसीडर करनी बस x प्लस 3 को हमने t कहा है इसलिए हमने ये अंडर रूट भी लगा लिया अब क्या होगा इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा ये हो जाएगा t माइनस 1 डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी अब देखें ये t इसको भी डिवाइड कर रहा है ये अंडर रूट टी और ये माइनस 1 को भी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय अंडर रूट t माइनस 1 ओवर दिस अंडर रूट t अब हम इसकी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेते हैं कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन पहले चले हम इसकी t को सॉल्व करते हैं एक और स्टेप करते हैं कि इस t की पावर तो है 1 और ये जब ऊपर जाएगा अंडर रूट t एक एक्स्ट्रा मैं स्टेप करती हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर जाके t माइनस 1 ओवर 2 डी टी ये दोनों बेस सेम है इसलिए इनकी पावर हम ऐड कर लेते हैं ये हो जाएगा t माइनस 1 ओवर 2 ये हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग किया है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ पॉजिटिव हो गया और इसकी पावर और ये हो गई माइनस 1 डी टी राइट अब ये सेपरेट हो गई अब हम इन दोनों को अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया याद रखें इंटीग्रल ऑफ टी पावर हाफ माइनस दिस मैं यहाँ लिखती हूँ इसको क्या होगा ये अब ऐसे हो जाएगा इसको हम टी हाफ डी टी माइनस टी रेज टू पावर 1 बाय 2 डी टी ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होती है सबसे बेसिक कि ये आपके पास पावर है इसमें आपने 1 ऐड इंक्रीमेंट करना है आपकी जो न्यू पावर बन गई 1 ओवर 2 प्लस 1 से ही इसको डिवाइड करना है सेम आपने ऑपरेशन यहाँ करना है प्लस 1 आपकी न्यू पावर हो गई नेगेटिव 1 ओवर 2 प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कैसे ये सॉल्व हो जाएगा टी रेज टू पावर 3 ओवर 2 ये भी 3 ओवर 2 हो जाएगा यहाँ रह जाएगा 1 ओवर 2 यहाँ 1 ओवर 2 प्लस सी और ये रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 2 ओवर 3 देखें ये है 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 ऊपर आ गया और फिर 2 ओवर 3 हो गया 3 ओवर 2 माइनस ये 2 है ये 2 ओवर 1 हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस सी लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म हुआ t को हमने क्या किया था कि t इज इक्वल टू x प्लस 3 इसमें x में आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन t में नहीं था इसलिए हमने x में ही इसका आंसर होगा तो जहां जहां t होगा वहां हमने x लिखना है तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ t ये और इसकी वैल्यू है x प्लस 3
raised to power 2 minus 2x plus 3c. राइट, और ये आपका आंसर हो गया. आप अगर चाहते हैं तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये 1 ओवर 2 है, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, फिर हम इसमें से कॉमन, लेकिन यहाँ तक ही इसका आंसर है. आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए. साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया.